तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा BGMI यानी दोस्तों PUBG का न्यू अपडेट 2.1 का अपडेट आ चुका है। और दोस्तों आपको इसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसा कि आपको इसमें फ्लाइंग मॉन्स्टर देखने को मिल रहा है, और दोस्तों आपको इसमें मम्मी मॉन्स्टर देखने को मिल रहा है, और एशियन रंस टेम्पल देखने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी का कम्प्लीट रिव्यू करने वाले हैं कि दोस्तों आपको कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और दोस्तों आपको इसमें जो है आप किस तरह से इन्हें यूज कर सकते हैं, और दोस्तों क्रेट किस तरह से ओपन कर सकते हैं, पजल किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करें क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय और आपका स्वागत है निकुल ऑफसाइड चैनल में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने ट्रेनिंग ग्राउंड से। तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे पहले एक साउंड देखने को मिलता है, और दोस्तों आपको यहाँ पर जो है हथियार आपको एक वेपन देखने को मिल जाता है जिसका नाम है AMR। दोस्तों ये जो है आपको एयर ड्रॉप में मिलता है, लेकिन दोस्तों ये जो अभी वेपन से काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए दोस्तों इसका रिव्यू जो है मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है AMR आपको यहाँ पर जो है वेपन देखने को मिलता है, इसका यूजेस दोस्तों काफ़ी अच्छा है। ये दोस्तों एक बार में जो डैमेज देता है, अगर आपको लेवल 3 का जो है हेलमेट है तो वो एक बार में यहाँ पर तोड़ देगा, तो ब्रेक कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने गाड़ी का जो टायर यहाँ पर जो है मैं फोड़ रहा हूँ, तो दोस्तों एक बार में यहाँ पर जो है फूट जाता है हमारा गाड़ी का टायर। तो कुछ इस तरीके से जो काफ़ी भयंकर ये वेपन से, और दोस्तों एक बार में एनिमी डेड हो जाता है इस वेपन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी फोड़ा। अब दोस्तों आप जैसे गेम स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपकी जो लॉबी है लॉबी में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों आप जैसे एरोप्लेन में जाएंगे, एरोप्लेन से जंप लेंगे, तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बैग का ऑप्शन भी आएगा जिससे आप डायरेक्ट जो बैग कर सकते हैं, आपका जो नॉर्मल एरोप्लेन आता है आप वहाँ भी आ सकते हैं डायरेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अपने मैप की, तो सबसे पहले मैप में हम करेंगे येलो लाइन की बात। दोस्तों येलो लाइन में आपको क्या रहता है, एम्पियर टेम्पल। तो जो एम्पियर टेम्पल है आपका लाइन के हिसाब से चलता है, आपको हर लाइन में एक डॉट दिखा रहा है। तो दोस्तों इस डॉट में इसका स्टेशन रहता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आपको सिंपल इस स्टेशन पर आकर खड़े हो जाना है, या फिर आप डायरेक्ट जो है टेम्पल पर भी जा सकते हैं। इस स्टेशन पर जो टेम्पल आ जाएगा, टेम्पल आने के बाद दोस्तों आप ऑटोमेटिक जो है ऊपर चले जाएंगे, ऊपर कुछ इस तरीके से आप जाने लगेंगे। इस तरीके से जाने के बाद दोस्तों आप सिंपली आप जैसे ही ऊपर आ जाते हैं आपको काफ़ी सारे आइटम्स आपको ऊपर मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे आइटम्स यहाँ पर मिलेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो है आइटम्स इकट्ठा कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है एक आपको ग्रीन ओवर बैटर भी मिलेगा, आप इसे जो है डायरेक्ट पी सकते हैं और अपनी हेल्थ और एनर्जी साथ में भर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक किंग कोबरा भी मिलेगा। दोस्तों ये जो किंग कोबरा है ये बहुत भयंकर है, ये आपके ऊपर जो पॉइजन छोड़ता है, विष छोड़ता है, और इससे आपकी हेल्थ जो है बहुत कम हो जाती है, आपको डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसके इससे जो है आपको बच के रहना है। और दोस्तों अगर आप इसको मारेंगे, इसको जैसे मारेंगे तो आपको जो है आइटम यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, कई सारे आइटम्स आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। जैसे कि अब मैं यहाँ पर जो है इसे मारूंगा तो मेरे को जो है यहाँ पर आइटम मिल जाएंगे, और दोस्तों मैं उन्हें जो है लूट कर सकता हूँ इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इससे बच रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये जो है मेरे को लगातार मारे जा रहा है, लगातार मारे जा रहा है, लगातार पॉइजन छोड़ते जा रहा है, विष छोड़ते जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये काफ़ी डैमेज हमें दे देता है। तो अब मैं इसे मार देता हूँ, मारने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुझे कुछ आइटम जो यहाँ पर रिसीव हो गए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इन्हें मारकर इसे डेड करके लूट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको मॉन्स्टर भी मिलेंगे, और दोस्तों एक क्रेट भी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके जो मॉन्स्टर हैं मॉन्स्टर जाग जाएंगे। मॉन्स्टर जागने के बाद दोस्तों आप पर सिंपली अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपली इन्हें मारना है। इन्हें जैसे ही आप मारेंगे तो इधर आपको जो है आपको कुछ आइटम रिसीव हो जाएंगे फिर से। तो आपको सिंपली पूरा का पूरा इन्हें मार देना है, डेड कर देना है, और दोस्तों आपको आइटम रिसीव हो जाएंगे। फिर आपको सिंपली अपनी जो क्रेट है उसे ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आप इसे जो है लूट सकते हैं आप इस क्रेट को। अब यहाँ पर आपको सिंपली एग्जिट होने के लिए, नीचे होने के लिए आपको सिंपली एग्जिट पर क्लिक करना है, आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एनसेट जो है आपका रन, एनसेट रन की बात करते हैं। आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको मॉन्स्टर दिखाई देने लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक पजल भी मिलेगी, आपको मॉन्स्टर मिलेंगे, मॉन्स्टर आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको सिंपली इनको मारना है, इनसे बचना है और इनको मारना है। आपको यहाँ पर जो पजल भी मिलेगी, यहाँ पर देखिए आपको आपके ऊपर जो मॉन्स्टर लगातार हमला करते जा रहा है, अटैक करते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है आपको देखिए यहाँ पर जो मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, अब आपको सिंपली इन सारे मॉन्स्टर को मार देना है। अब जैसे ही आप इन मॉन्स्टर को मार देंगे तो आपको जो यहाँ पर कुछ आइटम रिसीव हो जाएंगे, जैसे कि मैंने इस मॉन्स्टर को मारा यहाँ पर और मेरे को जो है आइटम यहाँ पर रिसीव हो चुका है।
हुआ है, और दोस्तों इसे भी मारूंगा तो आइटम यहाँ पर जो रिसीव हो जाएगा। अब सिंपली इन सब को मारने के बाद आपको अंदर आना है। अंदर आने के बाद दोस्तों आपकी जो पजल से वहाँ पर आपको एक हैंडल देखेंगे, आपको सिंपली पुश का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली हैंडल पुश करके ये सारी पजल से जो है आपको ये पजल्स को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर आपको एक क्रेट दिखाई देती है, तो ये जो पजल है आपको सिंपली सॉल्व करना है, मतलब तीनों में जो है आपके एक सी चीज़ होना चाहिए, तब जाके आपकी पजल्स जो है सॉल्व होगी। और जैसे ही आपकी पजल सॉल्व हो जाती है तो दोस्तों आपकी क्रेट जो है कुछ नीचे आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको पजल सॉल्व कर देना है। मैं एक और बार पुश करूँगा तो मेरी पजल जो है यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से देखिए मेरी पजल जो है सॉल्व होने के नज़दीक है। अब यहाँ पर जो है मैं एक और बार पुश करूँगा और मेरी पजल्स जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं करता हूँ यहाँ पर पुश करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी क्रेट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पुश करा, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पजल्स पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना और हमारी क्रेट नीचे आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से अब आप क्रेट लूट सकते हैं। आपको इसमें क्रेट में कई सारे जो है आपको आइटम्स यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे एशियंस रन्स की। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ मकड़ी वाली क्रेट दिखती है और आपको यहाँ पर फ्लाइंग मॉन्स्टर भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। फ्लाइंग मॉन्स्टर की बात करें दोस्तों, आपको फ्लाइंग मॉन्स्टर को भी मारना है। आपको कुछ इस तरीके से क्रेट दिखेंगी, आपको इन क्रेट को जो है फोड़ना है, आपको क्रेट को खोलना है, ओपन करना है, और यहाँ पर आपको जो है आपको कुछ जो कूपन जो है यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे, आप इनसे शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो है आपको क्रेट्स जो है ओपन करना, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मॉन्स्टर को मारना है, फ्लाइंग मॉन्स्टर को मारना है। और जब इन सबको आप मारेंगे और सारी क्रेट्स ओपन करेंगे, तब जाके आपकी जो मैकेनिज्म मशीन है, तो आपकी जो है ट्रिगर मैकेनिज्म मशीन है, वो आपकी ओपन हो जाएगी, क्रेट ओपन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको सारे मॉन्स्टर को मारना है। मॉन्स्टर को मारने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको अंदर आना है इन सबको मारने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर मॉन्स्टर को मारकर यहाँ पर लूट कर लिए। लूट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्लाइंग मॉन्स्टर मेरे को अटैक करते जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको सिंपली इससे बचना है, आपको बिल्कुल डैमेज नहीं होना है और दोस्तों आपको इससे बचना है और इसको मारना है। तो और आपको सिंपली जो पूरी जो है आपकी ये क्रेट है, आपको सिंपली सारी दीवारों से आपको क्रेट को ओपन करना, तब जाके आपकी जो मशीन है ओपन होगी। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर मशीन दिखेगी। तो यहाँ पर क्रेट आपको यहाँ पर दिखेगी, लेकिन दोस्तों आपको ओपन करने का यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपकी जो पहली वाली थी उससे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको सिंपली क्या करना, आपको यहाँ से आपकी जो सारी क्रेट है आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद दोस्तों आपकी मेन क्रेट जो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से जो है आइटम रिसीव कर सकते हैं, यहाँ से आप लूट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।